सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके चैनल द परफेक्ट क्लासेस में स्वागत है। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 17 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। क्लास 7 की वर्कशीट है, विषय विज्ञान है। 14 सितंबर 2021 की वर्कशीट है, टॉपिक है पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खादों का संश्लेषण। पादपों में पोषण पढ़ेंगे, ठीक है, मतलब पौधों में पोषण। पत्तियों को पौधों की रसोई घर के रूप में जाना जाता है क्योंकि हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से पत्तियों में अपना भोजन संश्लेषित करते हैं, ठीक है। क्लोरोफिल बोलते हैं हरे रंग के वर्णक को, जो कि किसके काम आता है, भोजन बनाने में काम आता है बच्चों। तो हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से पत्तियों में अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा पौधे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं, ठीक है। पौधे क्या लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने होते हैं। इनका उपयोग खाद के अन्य घटकों जैसे प्रोटीन और वसा के संश्लेषण के लिए किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन का उत्पादन होता है। प्रकाश संश्लेषण में निकलने वाली ऑक्सीजन का उपयोग सभी जीवों द्वारा उनकी उत्तरजीविता, मतलब जीवित रहने के लिए किया जाता है। अब रिक्त स्थान देखते हैं, ये है यहाँ पर पहला, दो ब्लैंक हमें दिए हुए हैं यहाँ और यहाँ, और आपको बताना है कि प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद हैं कौन कौन से। तो इसमें आप लिख दीजिए यहाँ पर तो ऑक्सीजन, और इस वाले में लिख दीजिए ये कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद हैं। अब सेकंड है, कार्बोहाइड्रेट से बने होते हैं, किससे, तो आप यहाँ लिखना कार्बन, इस वाले ब्लैंक में लिखना हाइड्रोजन, और यहाँ इस वाले ब्लैंक में लिखना ऑक्सीजन, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 3 है बच्चों, सभी जीवों के जीवित रहने के लिए प्रकाश संश्लेषण क्यों आवश्यक है, तो आप ऐसे लिखेंगे आंसर, सभी जीवों के जीवित रहने के लिए प्रकाश संश्लेषण, ये काट कर लिखेंगे, आवश्यक है, फिर लिखेंगे क्योंकि, और उसके बाद आप आंसर यहीं से लिखेंगे, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में निकलने वाली ऑक्सीजन का उपयोग सभी जीवों द्वारा उनकी उत्तरजीविता के लिए किया जाता है, मतलब सभी जीवों द्वारा उनके जीवित रहने के लिए किया जाता है, इसलिए आवश्यक है। अब प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित में से सही कथन चुने, तो पहला है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधों द्वारा ऑक्सीजन ली जाती है, गलत। दूसरा है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है, सही। तो इस वाले में हमने गलत का निशान लगा दिया, इसमें सही, पहला गलत है, दूसरा सही है, ठीक है। तो वर्कशीट कंप्लीट हो गई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।